मध्य प्रदेश में भूमि विकास बैंक से कर्जा लेने वाले किसानों को सरकार ने राहत दी है। कृषि मंत्री गौरी शंकर बिसेन ने ऐलान किया है कि जिन किसानों ने भूमि विकास बैंक से कर्ज लिया है उनकी बंधक जमीन को नीलाम नहीं किया जाएगा। मध्य प्रदेश के नमामि देवी नर्मदे सेवा यात्रा के लिए सरकार ने जनता की गाड़ी कमाई पानी की तरह बहाई है। नमामि देवी नर्मदे सेवा यात्रा के विज्ञापन के लिए सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। कांग्रेस विधायकों के पूछे गए एक सवाल पर सरकार ने जवाब दिया है कि नमामि देवी नर्मदा सेवा यात्रा के विज्ञापन पर 21,58,40,344 रुपए खर्च किए गए हैं। इतना ही नहीं, विदेशी अखबारों में भी इसका इश्तेहार दिया गया है। मध्य प्रदेश के इंदौर देवास हाईवे पर बने टोल बूथ पर करीब 50 से 60 बदमाशों ने हमला कर दिया। टोल कर्मचारियों ने इस दौरान जैसे तैसे अपनी जान बचाई। बदमाशों ने इस दौरान पूरे टोल को लाठियों और डंडों से तहस नहस कर दिया। बदमाशों ने यहां करीब 15 मिनट तक उत्पात मचाया। टोल मैनेजमेंट का आरोप है कि बदमाश लाखों रुपए कैश लूट कर ले गए। बारिश की शुरुआत होते ही वायरल फीवर तेजी से फैल रहा है। ग्वालियर में कल 6 घंटे में करीब 3,200 मरीज बुखार की शिकायत लेकर जयारोग्य अस्पताल पहुंचे। एक साथ इतनी संख्या में मरीजों के आने से अस्पताल में अव्यवस्था देखने को मिली। अस्पताल में एक बेड पर दो दो मरीज भर्ती किए गए। मध्य प्रदेश के दतिया के इंदरगढ़ कस्बे में फेसबुक पर हुई बहस ने हंगामे का रूप ले लिया। फेसबुक पर हुए विवाद के बाद दो युवकों के गुट आमने सामने आ गए, जिससे इंदरगढ़ के बाजार में भारी हंगामा हुआ। मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। साथ ही एहतियात के तौर पर इलाके में पुलिस बल तैनात किया गया है। राजस्थान के कोटा के मछली मार्केट में सिलेंडर फटने से भीषण आग लग गई। रिहायशी इलाके में हुए इस हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर है, वहीं 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि समय रहते सूचना देने के बाद भी पुलिस प्रशासन और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर नहीं पहुंची।